नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार लघु उद्यमी योजना में फॉर्म भरे थे और आप लोग का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है और आप लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ चुका है, हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे जिन जिन लोगों का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है वो लोग जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा, हम आप लोग को इस वीडियो में कम्प्लीट ही प्रोसेस बताने वाले हैं किस प्रकार से आप लोग को सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए ऑनलाइन करना है, जबकि आपको उसमें 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वीडियो में आप लोग दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलता आपको हम पीसी स्क्रीन पर और बिना देरी के हम आपको बताते हैं प्रोसेस। तो दोबारा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग आ जाइएगा उद्योग विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पर। कैसे आपको वेबसाइट पर आना है ये चीज आपको पता होगा, अगर नहीं है पता तो हम आपको बता देते हैं। गूगल क्रोम खोलिए, सर्च बार में आपको टाइप करना होगा बिहार उद्यमी, केवल इतना डाल दीजिए, यही बहुत काफी है। फर्स्ट में जो लिंक आएगा उद्योग विभाग बिहार सरकार, सिंपल सा आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे आप लोग के सामने में जो है इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे वेबसाइट ओपन होगा तो एक लॉगिन का यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, दूसरा एक लिंक जो अभी मतलब हाल ही में ये लिंक को एक्टिवेट किया गया है यहाँ पर लघु उद्यमी लॉगिन का, इस पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, केवल इस पे आपको क्लिक करना है लघु उद्यमी लॉगिन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आधार नंबर डाल दिए हैं, सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, ओटीपी आया, ओटीपी भी डाल दिए, यहाँ पर हम सीधा लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जैसे हम आप लोगों को प्रोसेस बतला रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर दिए हैं और मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और मेरा डैशबोर्ड जो है कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। अब आपको यहाँ से किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों का यही सवाल रहेगा कि मेरा पेमेंट जो है वो आया ही नहीं है, तो हम आपको बता देना चाहेंगे पेमेंट आपका नहीं आया है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो है इस लिस्ट में आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर आइएगा, ये वाला बीच वाला जो है यहाँ पर क्लिक पर आप क्लिक करिएगा और अपना नाम जो है इस लिस्ट में देख लीजिएगा। अब देखिए, जिन जिन लोगों को पेमेंट आया हुआ है केवल उन्हीं लोगों का इस लिस्ट में नाम है। अगर आप लोग का इस लिस्ट में नाम रहता है तो आप लोग का पेमेंट जो है वो 110% तय है कि आना ही है। अब उसके बाद भी आप लोग का कहना है कि भाई साहब इस लिस्ट में भी मेरा नाम है लेकिन पेमेंट जो है मेरा आया ही नहीं है, तो अगर नहीं आया है तब आप क्या करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि मतलब आपके अकाउंट से रिलेटिव कोनो प्रॉब्लम अवश्य होगा, उस वजह से आपका पेमेंट रुका हुआ है। तो आपको देखिए पहला काम जो करना है वो सबसे पहले यहाँ पर कॉल सेंटर का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट एक बार कर लीजिएगा और अपना प्रॉब्लम को बता देना है कि भाई साहब मेरा पेमेंट जो है वो आया नहीं अभी तक, मेरा आधार नंबर ये है, जो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा वो आपको बता देना है। फिर आपको वहां से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम आया है, इसको आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज करना क्या है, जैसे अभी हम आपको लॉगिन करने के लिए बतलाए हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप कर लोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको बैंक विवरण पर क्लिक करना है। बैंक विवरण पर क्लिक करके अपना बैंक जानकारी जो है दोबारा आपको अपडेट कर देना है, जो भी आपको एक बार अपने बैंक पासबुक से मिला लीजिएगा, जो भी आप लोग का बैंक पासबुक पर डिटेल्स होगा वही डिटेल्स आपके यहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं है। अगर उसमें कुछ गलती हुआ होगा तो उस वजह से आप लोग का पेमेंट जो है वो कि होल्ड हो गया, तो आप उनको देख लीजिएगा। ये अब आपको बताते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आप लोग को किस प्रकार से अप्लाई करना है। अब देखिए, ये वीडियो में जो चीज़ हम बतला रहे हैं केवल डेमो बतला रहे हैं, आपको केवल करना किस प्रकार से है वैसे हम आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को करना किस प्रकार से है। तो देखिए, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप दस्तावेज अपलोड पर क्लिक करोगे आप लोगों से जो वहां पर फाइल अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को 50,000 रुपया मिला हुआ है, वो 50,000 आप कहाँ कहाँ पर खर्च किए हो उनका बिल जो है आपको अपलोड करना होता है केवल। अब देखिए, हमारे नजदीक में या फिर हमारे रिलेटिव में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिनका पेमेंट आया हुआ है, मेरे टचअप में नहीं है ऐसा कोई आदमी, नहीं तो उसका हम लॉगिन करके आपको दिखाते। यहाँ पर जो हम अपना खुद का ही लॉगिन करके आपको दिखाए हुए हैं, जबकि मेरा जो है लिस्ट में नाम नहीं है। तो हम आपको केवल डेमो ही दिखा रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम वैसे आपको करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दस्तावेज अपलोड पर आप क्लिक करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, जैसे कि आप 50,000 रुपया जो आपको मिला हुआ है वो आप कहाँ कहाँ पे खर्च किए हो, किस किस चीज में खर्च किए हो, उनका आपको बिल चाहिए जीएसटी के साथ में, वो बिल के साथ में आपको सारा चीज को अपलोड कर देना है। अब मान लेते हैं काफी सारे लोग जो है 50,000 रुपया में मतलब अपना कंस्ट्रक्शन का भी काम वगैरह कुछ किए होंगे, दुकान करना है या फिर जो भी करना है वहां का मतलब जगह का भी मत किए होंगे, तो उसका भी फोटो आप अपलोड करेंगे। वहां पर फोटो अगर मांगा जाएगा तो फोटो भी आपको अपलोड करना होगा, अगर नहीं मांगा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको बिल जो है वो आपको अपलोड करना है, बिल अपलोड करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सिंपल से आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। बस आपको 5 मिनट नहीं लगेगा,
2 से 3 मिनट ही लगेगा, बस आपको बिल वहां पर अपलोड कर देना है, बस आपको छोड़ देना है, करना कुछ नहीं है, केवल इतना ही काम रहता है। जब आप लॉग इन करिए और अपना बिल को जो है अपलोड कर दीजिए, आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आवेदन हो चुका है। अब काफी सारे लोगों को जो है ऑप्शन नहीं आएगा अपलोड करने के लिए, तो वहां पर वो लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे और लॉग इन करके जो है अपना चेक करते रहेंगे, जैसे ऑप्शन आएगा तुरंत में आपको अपलोड कर देना है, बस इसमें ज्यादा कोई झोलझाल नहीं है। तो हम आप लोग को ऑलमोस्ट जो जानकारी देना चाहते थे वो हम दे ही चुके हैं। अब इसके अलावा और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य ही बतला देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।